तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर के अंदर लैंग्वेज सेटिंग के बारे में। तो गाइस, हाउ टू चेंज लैंग्वेज कैसे करनी, मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। गाइस, चलिए सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने हैं और फॉलो करने हैं। चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको अपने फोन की सेटिंग के अंदर जाना है। तो हम अपनी फोन की सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको सिस्टम का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज एंड इनपुट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो गाइस, यहाँ से लैंग्वेज क्लिक हो जाएगी। ऐड लैंग्वेज पे आपको क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी, मराठी, नेपाली, उर्दू, ये सारा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ईजिली। तो गाइस, यहाँ से हम हिंदी चूज़ करेंगे, और कीप करेंट और सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो गाइस, इसको हम कीप करेंट पर रखेंगे। कीप करेंट पर रखने के बाद गाइस, यहाँ पे आपकी सिस्टम जो सेटिंग्स हैं वो अपडेट हो रही है, आपको उसके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपकी इशू हो जाएगी। अगर गाइस आपको हिंदी करना है तो इसको स्वाइप अप कर दें तो गाइस ये आपकी हिंदी हो जाएगी। गाइस आपको इंग्लिश करना है वापस से तो इसको ऊपर की तरफ ड्रैग डाउन कर दें, या फिर ड्रैग अप कर दें तो ये आपकी इंग्लिश हो जाती है। तो गाइस, इस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।